गुरु नानक देव जी जब देश देशांतर का भ्रमण करते हुए पाक पटन में पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात शेख फरीद के पोतरे शेख ब्रह्म के साथ हुई। इस मुलाकात के दौरान ही सतगुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया, हे सत्संगनी बहन, आओ मेरे गले मिलो, क्योंकि हम एक ही पति परमेश्वर की सखियां हैं। हम दोनों मिलकर उस सर्वशक्तिमान निरंकार पति की कीर्ति की बातें करें। उस सत्य स्वरूप वाहे गुरु में सर्व ज्ञान आदि के सभी गुण हैं और हम में सभी अवगुण ही हैं। हे कर्ता पुरुष, संपूर्ण सृष्टि तेरी शक्ति के कारण ही है। जब एकमेव आदित्य ब्रह्म परमात्मा जी का विचार करें तो तू ही तू व्यापक है, फिर अन्य किसी की क्या आवश्यकता है। रहा हे सखियों, जिन्हें पति परमेश्वर की प्राप्ति हुई है, उन सौभाग्यवती स्त्रियों से जाकर पूछो कि तुमने कौन से गुणों के कारण पति परमेश्वर को प्राप्त किया है, अर्थात ब्रह्मानंद का उपभोग किया है। प्रतिउत्तर में कहा है कि संतोष धारण करने व मधुर वाणी के कारण संभाविक ही श्रृंगारित हुई है। जिज्ञासु रूपी स्त्री जब गुरु का उपदेश श्रवण करे तब उसे सुंदर स्वरूप अकाल पुरुष रूपी पति मिलता है। हे निरंकार, कितनी ही तेरी शक्तियां हैं और तेरा दिया हुआ दान भी कितना महान है, यह सब अकथनीय है। कितने ही असंख्य सूक्ष्म व स्थूल जीव जंतु हैं जो तेरा निश दिन स्तुति गान कर रहे हैं। असंख्य ही तेरे गोर श्याम आदि रूप रंग हैं तथा कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उच्च जातियां व शूद्र आदि निम्न जातियां रची हुई हैं। फिर तो हे सखियों, जब सद पुरुषों की सत संगति प्राप्त होती है तो हृदय में सुगुणों की उत्पत्ति होती है और सत्य नाम सुमरण में श्रद्धा करके जीव सत्य स्वरूप अकाल पुरुष में समा जाता है। पुनः क्या होता है इसका विचार सतगुरु जी ने कथन किया है। जब मानव मन प्रभु चरणों में लीन होता है तब पति परमेश्वर प्रकट होता है, किंतु यह सब गुरु उपदेश द्वारा हृदय में परमात्मा का भय धारण करने से ही संभव है। सत गुरु जी कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप निरंकार बादशाह ऐसी गुणवती ज्ञानी रूप सुहागनी सखियों को सव्यम ही अपने स्वरूप में अभेद कर लेता है। श्री राग महला पहला, भली सरी जय उबरी होमे मुँह घरह, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का बेसाह। कल्प त्यागी वाद है सच्चा बेपरवाह, मन रे सच मिले भाजाई भय भिन निर्भय की थिए गुरमुख शब्द समाई। रहा केता आखण आखिए आखण तोट न होई, मंगण वाले के तड़े दाता एको सोई। जिसके जिये प्राण है मन बस ये सुख होई, जग सुपना बाजी बनी खिन मह खेल खिलाई। संजोगी मिल एक से बिजोगी उठ जाई, जो तिस भाणा सो थिए अंबर ना करना जाई। गुरमुख बसत बेसाहिए सच बखर सच रास, जिन्नी सच बन जिया गुर पूरे सावास। नानक बसत पछाण सी सच सौदा जिस पास, भला हुआ जो मेरी बुद्धि अब गुणों से रिक्त हो गई है और मेरे हृदय घर से अह तत्व व मम तत्व विकारों का नाश हो गया है। जब इन विकारों से हृदय व बुद्धि रिक्त हो गई तो सतगुरु का भरोसा प्राप्त हुआ और विकारों में लिप्त रूपी दूत इंद्रिक दूत
मेरे दास बन गए। उस निश्चिंत परमात्मा में निश्चय करते हुए व्यर्थ की कल्पना का त्याग कर दिया है। हे मानव मन, सत्य नाम हृदय में धारण करने से ही यम आदि का भय शीर्ण होता है। परमेश्वर का भय माने बिना निर्भय कैसे हुआ जा सकता है? परमेश्वर का भय पाने हेतु गुरु के मुख से किया गया उपदेश मनन करना पड़ता है। रहा फिर तो हे भाई, उस निरंकार का यश कितना कथन किया जाए, क्योंकि उसके यशोगान की तो कोई सीमा ही नहीं है। उस परदाता अकाल पुरुष से मांगने वाले तो अनेकानेक जीव हैं और देने वाला वह मात्र एक ही है। जिसके आसरे जीव और प्राण हैं, उस निरंकार को मन में बसा लेने से ही आत्मिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। उसके अतिरिक्त अन्य जो जगत की रचना है वह एक स्वप्न व तमाशा ही है। क्षण मात्र में यह खेल की भांति समाप्त हो जाएगा। अर्थात परमात्मा के बिना यह संसार व अन्य पदार्थ सब नश्वर हैं। जीव संयोगी कर्मों के कारण संसार में एकत्र होते हैं और वियोगी कर्मों से यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। जो निरंकार को भला लगता है वही होता है। अपनी सामर्थ्य से अन्य कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिनके पास श्रद्धा रूपी पूंजी है, उन गुरु के उन्मुख सौदागरों ने ही वाहे गुरु नाम रूपी सौदा क्रय किया है और वे नामी पुरुष ही आत्म वस्तु को खरीदते हैं। जिन्होंने गुरु द्वारा सत्य नाम रूपी सौदा खरीदा है वे परलोक में भी दृढ़ होते हैं। सत गुरु जी कथन करते हैं कि जिसके पास नाम रूपी सच्चा सौदा है वही लोक परलोक में आत्म वस्तु को पहचान सकेगा। श्री राग महला पहला, धात मिले फुन धात का, सिफती सिफत समाई, लाल गुलाल गहवरा, सच्चा रंग चढ़ा, सच मिले संतोखिया, हर जप एके भाई, भारे संत जना की रैन, संत सभा गुर पाइये, मुक्त पदार्थ धैन, रहा उच्च थान सुहावना, ऊपर महल मुरार, सच करणी दे पाइये, दर घर महल प्यार, गुरमुख मन समझाइए, आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाइए है, आस संदेशा हुई, कि गुर बिन त्रिकुटी, छुट सी सहज मिलिए सुख होई, निज घर महल पछाणिए, नदर करे मल धोई, बिन गुर मैल न उतरे, बिन हर की घर वास, एको शब्द विचारिये, अंबर त्यागे आस, नानक देख दिखाइए, हाँ सद बलिहारे जास। यहाँ पर सत गुरु मन मुख व गुरमुख में अंतर कथन करते हैं। जो माया से प्रीत करने वाला प्राणी पुनः माया में ही लिप्त होता है, अर्थात आवागमन के चक्कर में भ्रमण करता है, और गुरु से मिलकर जो अकाल पुरुष का स्तुति गान करता है वह उस परमेश्वर में ही अभेद हो जाता है। स्तुति करने वालों को उन्हें आनंददायक लाल, अति आनंददायक गुलाल व अत्यंत आनंददायक गहवरा सत्य रंग चढ़ जाता है। यह सत्य रंग संतोषी पुरुषों को मिलता है और जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर वाहे गुरु नाम का सिमरण करते हैं। हे भाई, संत जनों की चरण धूल होकर रहो, क्योंकि इन संतों की सभा रूपी सत संगति के कारण ही गुरु की प्राप्ति होती है और वे गुरु मुक्ति जैसा दुर्लभ पदार्थ देने हेतु कामधेनु गाय के समान है। रहा सर्वोच्च व शोभनीय स्थान मानव जन्म है,
उसे सर्वश्रेष्ठ मानकर ही निरंकार ने अपना निवास स्थान बनाया है। नाम सिमरण व जप तप आदि सत्य कर्मों के करने से ही मानव देह में जो निरंकार का स्वरूप है उसके साथ प्रेम प्राप्त होता है।